अल्लाह ने खरीदा है मुसलमानों का जान माल, उनके बदले क्या देगा? जन्नत। यानी माल अगर थोड़ा लिया जाए तो इनाम बड़ा होता है, नतीजा यही है ना। अच्छे ताजिर को आप चीज इसलिए बेचते हैं खरीदार को कि आपको इवज में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के साथ मुनफरिद हो गया। तारीख पढ़े ना आप, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे आके। नबी अलैहिस्सलाम बिजनेस जानने वाले, अबू बकर बिजनेस जानने वाले। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा बिलाल पर जुल्म हो रहा है, आप अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक मिलने आते हैं रजी अल्लाह तआला, हुजूर की आंखों में आंसू देखा, कहा हुजूर अफसरदा हैं, रो रहे हैं, किस चीज़ ने आपको गमजदा किया? आपने फरमाया मैंने अपने चाहने वाले बिलाल को देखा है, सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से जुल्म का शिकार है। मक्का सारा दुश्मन इसलिए है कि वो मेरा गुलाम है, मुझसे प्यार करता है, और अबू बकर उसका मालिक बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी है, ताकतवर भी है, वो इतनी आसानी से मेरे ग़ुलाम को आज़ाद नहीं करेगा, मैं उसकी मोहब्बत में तकलीफ़ को देख कर रो रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सौदागर थे ना, जान गए हुजूर चाहते क्या है, सौदागर थे ना, ताजर थे। हुजूर ने कहा नहीं है, जान गए चाहते क्या हैं, फौरन गए, कहा कि मुझे इजाज़त दे, मैं बस अभी आया। ये होते हैं मिजाज शनासा लोग, कहा हुजूर बस गया अभी आया। गए जाकर उमैया बिन खल्फ से कहा, हाँ भाई बिलाल की बोली लगाओ। उमैया बिन खल्फ ने कहा अबू बकर तुम इतने बड़े ताजर हो, मक्के में लोग बड़ा सामान लेकर आते हैं तो तुम्हारा पूछते हैं, अबू बकर से सौदा करेंगे? अबू बकर परखने वाला आदमी है, मोहम्मद की गुलामी में तुम्हारी अकल मांद पड़ गई है, क्या हो गया, अकल काम नहीं करती है, दिमाग काम नहीं करता, क्या करने जा रहे हो? तुम जैसा सौदागर उसका सौदा करने आया है? अबू बकर फरमाते हैं हाँ हाँ अकल मांद पड़ गई है, इश्क का चांद चढ़ गया है, अभी तो सौदा शुरू किया है मैंने, अब तो सौदागर बना हूं। बेचो कितने में बेचोगे सरे बाजार, आज बोली लगाओ बिलाल की। शर्त क्या तय पाई? अबू बकर आपके तीन गुलाम हैं जो माहिर हैं बिजनेस के अंदर, सकाफत के अंदर, लोगों को डील करना जानते हैं, कारोबार जानते हैं, मेल मिलाप जानते हैं, काम समझते हैं, तीन आपके पास मजबूत तरीन गुलाम हैं, इस बिलाल के बदले तीन दोगे? अब आप सोचे ना ये सौदा अबू बकर के साथ कैसा अजीब और गरीब सा हो रहा है, तीन काम के गुलाम सामने एक बिलाल। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं हाँ एक बिलाल के बदले वो तीनों देता हूँ। उमैया बिन खल्फ ने कहा ये तो अजीब सौदा है, अबू बकर राजी हैं? कहा अब इस पर बस नहीं होगी, अभी तो मैं शराइत लगा रहा हूँ, इस पर बस नहीं है, अपने तीनों गुलाम दो, तीनों गुलाम के बराबर कीमत भी बिलाल की अदा करो। अब लोग हैरान है कि अबू बकर जैसा बड़ा ताजर क्या घाटे का सौदा कर रहा है कि एक गुलाम जिसकी कीमत अबू बकर के एक गुलाम की आधी भी नहीं होती, तीनों निशावर हैं, तीनों की मिसल कीमत लगती है, वो भी एक बिलाल पर कुर्बान करते हैं और मुंह मांगी कीमत अता करके कहते हैं कि बिलाल को मेरे हवाले करो, ले जाकर घर ले जाते हैं, नहलाते हैं, जख्मों पर मरहम लगाते हैं, सौदागर इसको कहते हैं, जख्मों पे मरहम लगाते हैं, नया कपड़ा कीमती कपड़ा हजरत बिलाल को पहनाते हैं तो फूट फूट कर रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक ने गले लगा लिया, कहा रोते क्यों हो? कहा सारी जिंदगी मैंने चिथड़ों में गुजारी है, मैं हबशा का हूँ, कभी मेरी माँ ने सुख का चैन नहीं लिया, कभी मेरे भाई ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, आज मुस्तफ़ा की गुलामी में आया हूँ तो इंसानियत की इज्जत का पता चला है, सारी जिंदगी तो गुलामी में गुजारी है, कभी गालियाँ, कभी जूते, कभी ताने, कभी पत्थर। अबू बकर से कहने लगे यहाँ जख्म है, यहाँ जख्म है, यहाँ जख्म है, दिल तो करते मेरी माँ होती मैं अपनी माँ को जाकर दिखाता कि आज इंसानियत का मज़ा आ गया है। अबू बकर सिद्दीक ने गले लगाया, आप रो रहे हैं, आपने फरमाया बिलाल रोले जितना रोना है, मेरे सामने रोले, मुस्तफ़ा पहले ही तेरे दुख में रो रहे हैं, मैं तुझे वास्ता देता हूँ हुजूर के सामने ना रोना, हुजूर को तो और दुख होगा, मैंने जो सौदा किया है उन आंसुओं को पोछने के लिए किया है। जिनको इश्क हो जाए ना वो अपने नबी का कितना मान रखते हैं कि मेरे महबूब किन बातों से खुश होंगे और किन बातों से नाराज होंगे, नबी की आंखों में आंसू देखकर बिलाल ये भी कह सकते थे हुजूर
बाद में सौदा कर लिया जाएगा, कीमत मान पड़ने दीजिए, वो तो इतनी बड़ी दौलत को मेरे ले रहा है, इतना बड़ा सौदा कर रहा है, हुजूर 3 गुलाम देना पड़ेंगे, लोग मेरी तिजारत पर मेरी अकल पर बातें करते हैं, हुजूर छुप कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, रात में जाके कर लूंगा, इश्क जब चढ़ जाए तो अकल का कोई सौदा नहीं हुआ करता, बेदाम ही बिक जाइए बाजार ए नबी में, इस शान के सौदे में खसारा नहीं होता। अबू बकर ने सिखाया है रज़ी अल्लाह तआला ने, सब दे दिया इसलिए कि महबूब की आंखों से जितनी जल्दी हो सके आंसू खुश हो जाए, मैं महबूब को राजी करने वाला बन जाऊं। लेकर हुजूर के पास सजा कर बेहतरीन कपड़े में दुल्हा बनाकर चमकते बिलाल को लेकर जब पहुंचे, मेरे महबूब खड़े हो गए, हुजूर ने गले लगाया तो बिलाल को ऐसा लगा जैसे वाकईतन अपनी माँ की ही आगोश में आ गए हों। वो रहमत वाले महबूब का सीना ठंडा लगा, बिलक बिलक कर रोने लगे। आकर फरमाया, रोते क्यों हो? का आका, अब मेरा अंग अंग दुखता है, कभी अपना सीना दिखाते महबूब उसको बोसा लेते। जब महबूब ने बोसा लिया तो बिलाल और तड़प गए, फिर अपना लिबास हटा दिया। हुजूर यहाँ भी जख्म है, हुजूर यहाँ भी जख्म है, हुजूर यहाँ भी जख्म है, हुजूर यहाँ भी जख्म है। महबूब बोसे लिए जाए, बिलाल बताए जाए, महबूब चिमटे जाए, रो रो कर दोनों गशी के आलम में हैं। महबूब दो आलम ने तसल्ली दी अपने गुलाम को, वो काला हबशी गुलाम जिसे लोग कोड़े मार रहे थे, नबियों का इमाम उसे सीने लगा रहा है, बोसे दे रहा है। महबूब ने फरमाया, ए अबू बकर, इतना बेहतरीन सौदा करके तन्हा सौदा कर लिया, अकेले ही इतना कीमती सौदा कर लिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, फिदा काबी वामी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या अबू बकर और अबू बकर का माल आपसे जुदा है? अबू बकर भी आपका, अबू बकर का माल भी आपका, ये सारा सौदा आपके लिए किया।